तरह बैठे हैं। राजा फूर साहब, आप जरूर कुछ कहेंगे मैं इंशाल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके साथियों का शुक्रिया इमरान साहब के दावत का इंतजाम किया आपने। जब मुझे कहा आना है तो मुझे बड़ी खुशी हुई और उसके साथ थोड़ा सा जहन भी चला कि यार कुछ वक्त इनके साथ इतना चलेंगे और ये रहा रहे हैं और ये जाने के लिए जो है हम लोग दावत कर रहे हैं या आपके साथ ही दावत कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सर मैं ज़रूर आऊँगा। आप लोग जो सियासतदान हैं आपके तलुकात और तरीके होते हैं, आप आते जाते रहते हैं, हमारा इनसे रास्ता होता है, लोग हमसे बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि वैसे बिजी हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह लोग काम करते हैं, हमारे काम ही होते हैं, क्या होते हैं काम। तो इनकी जगह इससे पहले काफ़ी लोग हमने जो है देखे हैं, किसी पर आए उन्होंने काम किया। आसिफ साहब से टाइम लेकर तो गाजू तीन चार या पाँच दफ़ा मौका मिला इनके पास जाने का किसी दूसरे के काम के लिए, लेकिन महसूस हो रहा था कि अम्बेसडर साहब के बाद अगर कोई काम जो पब्लिक का जिसे कहते हैं पब्लिक रिलेशन का आना कि इनका पब्लिक का जितना इनका काउंस का काम था, इन्होंने काम वो जो अधूरा रह गया था पब्लिक रिलेशन का इन्होंने उस अम्बेसी के गैप को जो है वो पूर किया और हम सब को साथ लेकर चले। मैं नहीं समझा कोई ऐसा आदमी यहाँ बैठा हो कि जिनके साथ उनकी पर्सनल बात काम ना हुई हो या किसी न किसी सिलसिले में। इतने लोग पहले चंद साल के जब हम बात करें तो पाकिस्तान में वैसे की बात होती थी तो हम लोग बहुत बात करते थे, आप लोग तो अपनी महफिल में करते थे क्योंकि हम माइक पे बैठे होते हैं तो माइक पे लोग ज़्यादा बात सुन लेते हैं, मेरे समझ दो चार पांच बैठे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बातें करते थे यार कि हम वैसे नहीं हो रहा है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। तो लोग हमें कहते थे राय साहब ये हमारा काम भी नहीं हो रहा है, चले आप भी कुछ थोड़ा सा हाथ नरम रखा करें। लेकिन आसिफ साहब के टेन्योर में मुझे एक बंदे ने मिश्रा जी कहा कि कोई नेगेटिव सेंस में कि यार आसिफ साहब ऐसे हैं, आसिफ साहब ऐसे हैं।